देश के भविष्य को बदलने वाला चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 6 चरण आज पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 6 चरणों में कैसे बयान बदले, कैसे राजनीति बदली, कैसे रुझान बदले, कैसे मुद्दे बदले, ये पूरा देश देखता रहा। और इस देखने के साथ जो नहीं बदला वो था जनता का रुझान। ज्यादातर चरणों में जनता का रुझान गर्मी के मौसम में ठंडा ही नजर आया, लेकिन हम आपको पहले चरण से लेकर 6 चरण तक क्या कुछ खास रहा, किस चरण में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, किस चरण में किस दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर लगी रही, आज हम आपको देश के सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। आपको आपके देश के चुनाव की यादों को फिर से ताजा करेंगे, ताकि आपको एहसास हो कि ये चुनाव कितना जरूरी था, कितना विशाल था, और देश की दशा और दिशा को बदलने वाला ये चुनाव क्यों कहा गया, क्योंकि ये थी सिंहासन की जड़। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहले चरण से लेकर 6 चरण तक किस तरीके से मतदान होता रहा और ये चुनाव कैसे 7 चरणों तक पहुंचा, इसको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, 7 चरणों में जो मतदान हुआ उसमें जो पहला चरण था वो 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान हुआ, दूसरा चरण 89 सीटों पर 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 94 सीटों पर मतदान हुआ और 7 मई को हुआ, चौथा चरण 13 मई को जिसमें 96 सीटों पर मतदान किया गया, 20 मई को 49 सीटों के साथ पांचवा चरण संपन्न हुआ, जबकि आज 25 मई को जो 6 चरण रहा उसमें 57 सीटों पर वोटिंग हुई और 57 सीटों पर अब 1 जून को मतदान होगा, और इस मतदान के साथ जो चुनाव है वो चुनाव पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो 57 सीटें बची हैं और अभी तक जिन 487 सीटों पर मतदान हो चुका है उनमें किस चरण में किन किन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर रही और किस चरण में कितनी सीटों पर किस प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, आज हम आपको 20 मिनट में पूरे चुनाव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ता गया। पहले चरण के साथ शुरुआत करते हैं। जरा देखिए पहले चरण में, क्योंकि 21 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे थे और 21 राज्यों के अंदर जो चुनाव हो रहे थे उसमें कुल कितनी सीटें थी, कुल सीटें थी 102 सीटें, और वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, वोटिंग परसेंटेज रहा 66.14%। अब इसको शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में सिर्फ 1 सीट पर मतदान हुआ था, 12 सीटों पर राजस्थान में पहले चरण में मतदान हुआ, उत्तराखंड के अंदर 5 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर, एमपी में 6 सीटों पर, महाराष्ट्र में 5 सीटों पर, तमिलनाडु में 39 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ था, जबकि छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर मतदान हुआ था, बिहार में 4 सीटों पर मतदान हुआ था, असम में 4, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, त्रिपुरा में 1, मणिपुर में 2 और अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ था, और इसके साथ अंडमान निकोबार में 1, लक्षद्वीप में 1 और पुडुचेरी के अंदर भी पहले चरण के अंदर मतदान हुआ था। और वोटिंग परसेंटेज कितना रहा, वोटिंग परसेंटेज रहा था 66.14%। लेकिन पहले चरण के अंदर वो कौन कौन से चेहरे थे जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि नितिन गडकरी पहले ही चरण के अंदर नागपुर से चुनाव लड़ रहे थे और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। जरा देखिए ये प्रमुख चेहरे जिन्होंने पहले चरण के अंदर ही नागपुर से चुनाव जो लड़ा उसमें वोट डले। अब इनके भाग्य का फैसला 4 जून को होगा। लेकिन अगला चेहरा जितिन प्रसाद, पीलीभीत से वरुण गांधी के टिकट को काटा गया और इस चेहरे के ऊपर भी सबकी नजर कि क्या पीलीभीत से ये चुनाव को जीत पाएंगे। तीसरा चेहरा कार्ती चिदंबरम, पी चिदंबरम के बेटे हैं, तमिलनाडु से चुनाव लड़ा, ये भी पहले चरण के अंदर उन चेहरों में शामिल जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। अगला चेहरा के अन्नामलाई, कोयंबटूर से
चुनावी मैदान के अंदर थे। बीजेपी के प्रदेश के चेहरे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनका भी चेहरा दांव पर लगा था। चेन्नई सेंट्रल से दयानिधि मारन, यूपीए 2 के कार्यकाल में चेहरा बेहद फेमस था दयानिधि मारन, ये भी चुनावी मैदान के अंदर पहले ही चरण के अंदर, और ये चेहरा नकुलनाथ छिंदवाड़ा, कमलनाथ के बेटे, ये चेहरा भी वो चेहरा जो पहले चरण के अंदर जिसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी। आगे बढ़ते हैं और दूसरे चरण का रुख करते हैं। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले गए। कितना वोटिंग परसेंटेज था? वोटिंग परसेंटेज था दरअसल 66.71%। और इसके अंदर देखिए, मणिपुर में 1 सीट पर चुनाव हुआ, त्रिपुरा में 1 सीट पर चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल के अंदर 3 सीटों पर चुनाव हुआ, बिहार में 5 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव हुआ, एमपी में 6 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर चुनाव हुआ, इसके अलावा महाराष्ट्र में 8 सीटों पर, कर्नाटक में 14 सीटों पर चुनाव हुआ, केरल में 20 सीटों पर चुनाव, राजस्थान में दूसरे चरण में 13 सीटों पर चुनाव हुआ और 25 की 25 सीटें राजस्थान की पहले दो चरण के अंदर पूरी हो गई थी। पहले चरण में 12 और दूसरे चरण में 13 सीटों पर चुनाव हुआ था। उत्तराखंड में 5, जम्मू कश्मीर में 1 और इसके साथ केरल में 20 और कर्नाटक में 14 सीटों के साथ दूसरा चरण संपन्न हुआ। कुल 13 राज्यों में चुनाव हुए दूसरे चरण में और उसमें 88 सीटें और वोटिंग परसेंटेज 66.71% रहा। लेकिन दूसरा चरण देश की राजनीति के हिसाब से बेहद खास रहा था। कौन कौन से चेहरे जिनकी प्रतिष्ठा दूसरे चरण में दांव पर थी, उनमें सबसे पहला नाम राहुल गांधी। वायनाड से चुनावी मैदान में थे, हालांकि यहां से चुनाव लड़ने के बाद वो रायबरेली भी आ गए, वहां भी उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। लेकिन दूसरा चेहरा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कोटा से चुनावी मैदान, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर दूसरे चरण में, उनके चेहरे की भी प्रतिष्ठा जनता के मतदान के ऊपर टिकी हुई। तीसरा चेहरा सीरियल के राम अरुण गोविल, जो मेरठ से चुनावी मैदान में चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होते हैं, टिकट लेते हैं और चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय कैंडिडेट, इनके साथ खेला हो गया, इन्होंने पार्टी बदली, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, गठबंधन में टिकट चली गई, पूर्णिया से निर्दलीय चुनावी मैदान के अंदर आकर ये टिक गए। तीसरे चरण में लेकर चलते हैं, क्योंकि तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान हुआ। यह दूसरा सबसे बड़ा चरण था जिसमें 94 सीटें थी। वोटिंग परसेंटेज 65 के आसपास था। जरा देखिए, वोटिंग परसेंटेज 65, 94 सीटें, 12 राज्य और इसके अंदर गुजरात की 25 की 25 सीटें, एक बार में चुनाव हुआ। इसके अलावा महाराष्ट्र की 11 सीटें, एमपी की 9 सीटें, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, बिहार की 5 सीटें, पश्चिम बंगाल की 4 सीटें, असम की 4 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटों के साथ तीसरा चरण संपन्न हुआ। इसके अलावा दादर और नगर हवेली की 1 सीट, दमन और द्वीप की 1 सीट और गोवा की 2 सीटों पर चुनाव हुआ और कुल 12 राज्य थे जिनकी 94 सीटें थी। उस पर जो वोट डाला, वो वोट डाला दरअसल 65% के आसपास, और उसमें गुजरात में एक ही चरण में पूरा मतदान पूरा हो गया। लेकिन ये जो तीसरा चरण था, इसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। 3 पूर्व मुख्यमंत्री थे। वो 3 पूर्व मुख्यमंत्री कौन कौन थे, ये जरा देखिए कि जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। इनमें सबसे पहला नाम शिवराज सिंह चौहान, विदिशा मध्य प्रदेश से चुनावी मैदान के अंदर थे। चुनाव से पहले जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे और उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। कहा जा रहा है कि अगर वो चुनाव जीते और मोदी सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो एक बड़ा पोर्टफोलियो संभालते नजर आ सकते। दिग्विजय सिंह, ये भी एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजगढ़ से चुनावी मैदान के अंदर थे और उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जबकि तीसरा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के हावेरी से चुनावी मैदान में और उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। लेकिन कौन सी पार्टी ने कितनी सीटों पर चुनाव तीसरे चरण में लड़ा था, ये भी आपको बताते हैं जरा देखिए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस जितनी बहुमत के लिए सीटें चाहिए उतने पर भी चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी ने 82 सीटों पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा, सपा ने अगर देखेंगे
तो आपको एहसास होगा कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ा तृणमूल ने, महज 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसने 5 सीटों पर, जबकि राजद ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, और इसके अलावा जदयू ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। तीसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें सिर्फ 3 मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं थी, बल्कि 7 केंद्रीय मंत्री भी ऐसे थे जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। और वो कौन कौन है जरा देखिए। इसकी शुरुआत करते हैं अमित शाह, गांधीनगर से चुनावी मैदान में उनकी प्रतिष्ठा तीसरे चरण के अंदर दांव पर लगी हुई थी। इसके अलावा मनसुख मंडाविया पोरबंदर से चुनावी मैदान में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनावी मैदान में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। इसके अलावा नारायण राणे रत्नागिरी से चुनावी मैदान में थे, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। एसपी बघेल जो आगरा से चुनावी मैदान में, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। और इसके अलावा अगर बात करें श्रीपद येसो नायक की, उत्तर गोवा से वो चुनावी मैदान में थे, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। और प्रहलाद जोशी धारवाड़ कर्नाटक से, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। और इस तरीके से 7 कुल केंद्रीय मंत्री जिनकी प्रतिष्ठा तीसरे चरण के अंदर दांव पर लगी थी, 3 मुख्यमंत्री भी ऐसे थे जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि चौथा चरण, पांचवा चरण और छठा चरण यह भी महत्वपूर्ण था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे चरण की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। इस दौरान वोटिंग परसेंटेज क्या रहा था, वोटिंग परसेंटेज रहा था 64.60%। जबकि किस राज्य की कितनी सीटों पर मतदान हुआ था इसको जरा देखिएगा। इसमें उत्तर प्रदेश 8, MP 8, महाराष्ट्र 11, आंध्र प्रदेश 25, ओडिशा 4, पश्चिम बंगाल 8, झारखंड 4, बिहार 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के ऊपर मतदान हुआ था। लेकिन कौन कौन से चेहरे इस दौरान दांव पर लगे थे ये आपको बताते हैं। किन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, इसमें कन्नौज से जो चेहरा था वो बेहद महत्वपूर्ण था। चेहरा था अखिलेश यादव का, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। दूसरा चेहरा भी महत्वपूर्ण था क्योंकि दूसरा चेहरा था हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा। तीसरा चेहरा कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा का था, जबकि चौथा चेहरा बेगूसराय से गिरिराज सिंह का था। इसके अलावा राजीव रंजन सिंह मुंगेर बिहार से, यह भी चेहरा जिसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। यूसुफ पठान बहरामपुर से, जहां आप एक और चेहरे को जोड़ लीजिए, वो दरअसल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, उनका भी चेहरा दांव पर था। SS अहलूवालिया का चेहरा दांव पर, और अर्जुन मुंडा खूंटी से, इनका भी चेहरा दांव पर लगा हुआ था। और ये दरअसल चौथा चरण। बात करते हैं पांचवें चरण की, तो पांचवें चरण के अंदर सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन सीटों पर चुनाव हुआ, कितने राज्यों की सीटों पर चुनाव हुआ। तो जरा देखिए पांचवें चरण के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको प्रतिष्ठा जिन दिग्गजों के दांव पर लगी है उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि पांचवें चरण के अंदर राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में थे, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में थे, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। इसके अलावा रायबरेली से जिस तरीके से राहुल गांधी मैदान में उतरे, अमेठी पहले से हॉट सीट, और अमेठी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में रही। मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल चुनावी मैदान में थे, जबकि डिंडोरी महाराष्ट्र से भारती पवार को मैदान में उतारा गया था। रोहिणी आचार्य सारण से लालू प्रसाद यादव की लेगेसी को आगे बढ़ा रही थी, उस चेहरे पर भी दांव लगा था। और श्रीकांत शिंदे जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं कल्याण से, वो भी चुनावी मैदान में थे। और रामविलास पासवान की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे चिराग पासवान हाजीपुर से चुनावी मैदान में थे। और कह सकते हैं कि जो दरअसल चौथा चरण था वो परिवारों की प्रतिष्ठाओं को आगे बढ़ाना, परिवार में जो लेगेसी पिता ने या मां ने आगे बढ़ाई उसको कैसे बेटा आगे बढ़ा रहा है, इस पर फोकस किया गया। और इसमें कई चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगती हुई नजर आई। बात करते हैं पांचवें चरण की, इसमें किन सीटों पर, कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा था ये हम आपको बता रहे हैं। जरा देखिए पांचवें चरण में
कुल 8 राज्य थे, सीट थी 49 और वोटिंग जो हुई वो 57.47% हुई। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें थी जिस पर चुनाव हो रहा था, बिहार की 5 सीटें थी जिस पर चुनाव हो रहा था, झारखंड की 3 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर, ओडिशा की 5 सीटों पर, महाराष्ट्र की 13 सीटों पर और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट पर चुनाव हो रहा था और वोटिंग परसेंटेज कम रहा। वोटिंग परसेंटेज दरअसल 57.47% के आसपास ही इस पर होता हुआ नजर आया। और अब बात करते हैं आज छठे चरण की। जो छठा चरण पूरा हुआ उसमें कितने राज्य, कितनी सीटें और कितना वोटिंग परसेंटेज, ये जरा देखिए। दरअसल छठे चरण में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, सीटें 58 और वोटिंग जो हुई वो भी लगभग 58.48% हुई जो शाम 7 बजे तक हुई। इसमें किस किस राज्य की कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा था, ओडिशा की 6 सीटों पर चुनाव, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर चुनाव, झारखंड की 4 सीटों पर, बिहार की 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, पूरी दिल्ली की 7 ही सीटें हैं और 7ों लोकसभा सीटों पर चुनाव एक ही चरण में, छठे चरण में संपन्न हुआ। ऐसे ही हरियाणा में 10 ही लोकसभा की सीटें हैं, एक ही चरण के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में चुनाव संपन्न हो गया। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव संपन्न हुआ और ये भी दरअसल वो फेज जिसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। 1 जगदम्बिका पाल जो छठे चरण के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, दूसरा मनोहर लाल खट्टर जिनको हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाकर करनाल से चुनाव को लड़ाया गया, और तीसरा महबूबा मुफ्ती जिनके चुनाव में उतरने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक और पूर्व मुख्यमंत्री जो चुनाव मैदान में थे, इसके अलावा उमर अब्दुल्ला भी चुनावी मैदान में नजर आए। बहरहाल वो कौन कौन से दिग्गज जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर कई दिग्गज हैं। देखिए जरा किस किस की प्रतिष्ठा, मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया, अरविंद केजरीवाल भी प्रचार करते हैं उनके लिए नजर आए। मनोज तिवारी दोनों ही देखिए उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की पृष्ठभूमि में बिहार है। अगला चेहरा देखिए, एक तरफ सोमनाथ भारती और दूसरी तरफ बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, और सोमनाथ भारती दिल्ली में पहली अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री रही, उसके बाद महिला अत्याचार के आरोप उनके पास ऊपर लगे और वहां से वो देश भर के अंदर अपनी एक अलग ही पहचान बनाते नजर आए थे। बहरहाल अगला मेनका गांधी सुल्तानपुर से, जबकि रामभूपाल निषाद वो चुनावी मैदान में और मेनका गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ये भी एक हॉट सीट। इसके अलावा जिसका हम बात कर रहे हैं राजौरी अनंतनाग, महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, चेहरा बड़ा है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं उनके चेहरे पर बहुत कुछ टिका भी हुआ है। इसके अलावा देखिए जरा तमलुक से अभिजीत गंगोपाध्याय चुनावी मैदान में छठे चरण के अंदर, और जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, करनाल से चुनावी मैदान में हैं, और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल ये भी चुनावी मैदान में है, बीजेपी को ज्वाइन किया था इन्होंने, उसके बाद टिकट दिया गया, उनको मैदान में उतारा गया। समित पात्रा पुरी से एक बार फिर चुनावी मैदान में है, 2019 का चुनाव वो हार गए थे, इस बार फिर से चुनावी मैदान में हाल, हालांकि 2019 का जो चुनाव वो हारे थे वो मैच 14,000 के आसपास वोटों से हारे थे और प्रधानमंत्री ने खुद उनके लिए रोड शो किया था। वहीं समलपुर से धर्मेंद्र प्रधान चुनावी मैदान में हैं और बड़े चेहरे हैं, मंत्री रहे हैं और बड़े पोर्टफोलियो उन्होंने संभाले हैं। 6 चरणों की पूरी जानकारी हमने आपको इसलिए दी ताकि आपको ये पता चले कि पहले तो ये चुनाव कितना लंबा चला है, दूसरा देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है, तीसरा आपका एक एक वोट कितने बड़े बड़े नेताओं की किस्मत को तय करता है, और चौथा इन 6 चरणों के बाद जो अंतिम चरण होना है 1 जून को, उसके साथ ये चुनाव संपन्न होगा और भारत के भविष्य की रूपरेखा को तय करेगा।